हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेडेस्टल के बारे में, पेडेस्टल का साइज, पेडेस्टल क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कंबाइंड फुटिंग है, तो कंबाइंड फुटिंग के बारे में वीडियो पहले भी बना चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप कंबाइंड फुटिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसका वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको, ये हमारा फाउंडेशन कौन सा है। दो टाइप का फाउंडेशन होता है, एक डीप होता है, एक शैलो होता है। तो ये हमारा फाउंडेशन जो है वो है शैलो फाउंडेशन है। इसमें क्या है आप देख रहे हैं वीडियो में, ये हमारा कंबाइंड फुटिंग है, ठीक है। कंबाइंड फुटिंग के बाद हो चुका है कंबाइंड फुटिंग, उसके बाद पेडेस्टल नजर आ रहा है, ठीक है। तो पेडेस्टल क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो इन सब चीज के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। और पेडेस्टल का साइज क्या होता है उसके बारे में सब चीज डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। जो बेसिकली जो हमारा पेडेस्टल होता है वो क्या होता है, इस वजह से साइज इसका बड़ा रहता है, कॉलम के साइज का नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा लोड आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ज्यादा बड़ा साइज होगा, अगर कॉलम हमारा स्मॉलर है, जैसे कि हमारा कॉलम का साइज हो गया 450x300 300, तो और हमारा पेडेस्टल का साइज हो गया 600x450, पेडेस्टल का साइज है। अगर ज्यादा साइज में कोई छोटा अमाउंट का, तो लोड डिस्ट्रीब्यूट तो होगा ही, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन फुटिंग कास्ट फुटिंग बनाने के बाद फिर पेडेस्टल का जो साइज करते हैं हम लोग वो बड़ा करते हैं, उसके बाद फिर जो कॉलम का साइज होता है वो लेकर जाते हैं, ठीक है, कॉलम के साइज का। इसी वजह से पेडेस्टल का साइज हम लोग बड़ा रखते हैं ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके हमारा, ठीक है। अब आपको हम इसके कितना साइज है इसके बारे में डिटेल बताते हैं। जो हमारा पेडेस्टल का साइज है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो हमारा कितना है, 650x300 का हमारा पेडेस्टल का साइज है, ठीक है। और अभी आप वीडियो में जैसे कि देख रहे हैं, ये हमारा विदाउट पेडेस्टल का, ठीक है। तो इससे पहले इनिशियली हम लोग क्या क्या करेंगे वो चीज बताते हैं आपको। पहले क्या करेंगे, पेडेस्टल कास्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग लेआउट करेंगे, पहले पॉइंट देंगे कहाँ कहाँ हमारा पॉइंट आ रहा है, ठीक है। पॉइंट देने के बाद हम लोग स्टार्टर फिल करेंगे, ठीक है, स्टार्टर फिल करेंगे। स्टार्टर क्यों फिल करेंगे, स्टार्टर क्या होता है, तो इसके बारे में भी वीडियो बना चुके हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा वो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। स्टार्टर के बारे में वैसे आपको रिवाइज करवा देते हैं, स्टार्टर क्या होता है। स्टार्टर जो है हमारा किसी भी चीज स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वही हमारा क्या होता है, स्टार्टर होता है, ठीक है। और जो हमारे स्टार्टर का जो साइज होगा वही हमारा पेडेस्टल का साइज होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, स्टार्टर को पहले फिल कर लेंगे, ठीक है। स्टार्टर कितने तक फिल करते हैं, 4 इंची यानी कि 100 mm तक हम लोग स्टार्टर को फिल करते हैं, ठीक है। उसका जो थिकनेस होता है, हाइट होता है 100 mm होता है, वो फिल करने के बाद इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मवर्क लगाते हैं, ठीक है। फॉर्मवर्क लगाने के बाद कास्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले क्या करना है, स्टार्टर कर लिए, फिर उसके बाद फॉर्मवर्क लगाने से पहले हम लोग सरिया देखते हैं, मतलब कि स्टील बार, ये हमारा सही स्टील बार यूज़ हुआ है कि नहीं, यहाँ पे 16 mm का यूज़ होना था, 16 mm का यूज़ हुआ है कि नहीं, 12 mm का बार यूज़ होना है, जो जो बार यूज़ होना वो सही से यूज़ हुआ नहीं है, मास्टर रिंग सही से लगा है कि नहीं लगा है, स्पेसिंग सही है कि नहीं है, जो हमारा स्ट्रप ट्रायंगुलर स्ट्रप लगेगा, लेंथ लगेगा, दो ट्रायंगुलर स्ट्रप हैं, जो स्ट्रप्स का डायमेंशन दिया हुआ वो सही से है कि नहीं है, स्पेसिंग सही से दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ये सब भी चीज़ पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसका कास्टिंग कर देंगे। तो पेडेस्टल का आप देख रहे होंगे उसका फॉर्मवर्क लग चुका है, ठीक है। इसका फॉर्मवर्क जो हम लोग का साइज है वो हमारा कितना है, 650x400 का हमारा पेडेस्टल का साइज है। पेडेस्टल क्या होता है, तो पेडेस्टल क्यों लगाते हैं, तो ये चीज के बारे में आपको बता दिए, क्यों लगाते हैं, ताकि जो हमारा जो लोड हो, जो कॉलम का जो लोड आए वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इस पे पेडेस्टल का साइज बड़ा है, इस वजह से हम लोग करते हैं, ठीक है, जो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा कॉलम का जो साइज आएगा वो साइज स्मॉलर होगा, इसी वजह से पेडेस्टल का साइज बड़ा करते हैं। तो हमारा जो कॉलम का जो साइज है वो कितना है, 450x300, और पेडेस्टल का साइज है 650x400, ठीक है। तो पेडेस्टल का ये साइज हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद कॉन्क्रीट फिल कर देंगे इसमें,
पेडेस्टल को पूरा फिल करने के बाद कहाँ तक फिल करेंगे, तो जिसका हाइट है वो 600 mm तक इसको फिल करेंगे, जो हाइट है पेडेस्टल का, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपना कॉलम कास्ट करेंगे। ये सब चीज़ करने के बाद फिर एक दिन बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका शटरिंग खोल देंगे पेडेस्टल का, फिर उसके बाद ये फिल कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बैक फिल करेंगे, ठीक है। बैक फिल मतलब जितना भी मिट्टी है उसको भर देंगे, ठीक है, एक सर्टेन हाइट तक, प्लिंथ बीम तक ले जाने के बाद हम लोग पूरा बैक फिल कर देंगे, प्लेन कर देंगे, फिर उसके बाद कॉलम कास्ट करेंगे, ठीक है। अभी जो इसके बाद जो कॉलम फिर कितने हाइट तक आएगा, 1.2 मीटर शॉर्ट कॉलम होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, पेडेस्टल से रिलेटेड अगर अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें मेल कर सकते हैं, जो हमारा मेल आईडी है missioncivilengineering@gmail.com, और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी किसी तरीके का डाउट होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको जो जो नई वीडियोस चाहिए जिसके रिलेटेड भी, तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक से रिलेटेड आप डाल दें, उससे रिलेटेड हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।